के दौरे पर हैं और डोर टू डोर कैंपेन बदल रहा है। आजकल मुझे बड़ा खुशी होती, बहुत खुशी होती है, लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं, इन पार्टियों की आदत थी नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। मोदी जी ने देश को यह सिखा दिया कि अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी, इस बात को हमको समझना है। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात हम कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सोच दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, और मैं उसमें जोड़ता हूं काम असरदार, जो असर कर सके, इसको हमको समझना चाहिए। अब आज किसानों की बात होती है, इस देश में बहुत से लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहा, बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसान नेता कहलवाया, बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़े बड़े समागम किए किसान नेता कहलाने के लिए। आज समय है विवेचना करने का, उन किसान नेताओं ने किसान के लिए क्या किया। मैं प्रबुद्ध नागरिक मतदाताओं से पूछना चाहता हूं, बता दें कि उन्होंने क्या किया। किसान की हालत खराब होती रही, कोई उसकी चिंता नहीं हुई, और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, इस बात को हमको समझना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब प्रमुख मतदाता हैं, 2014 के पहले और 2019 के पहले बजट में आप देख लीजिए आंकड़ों का क्या अंतर था। 22,000 करोड़ रुपए बजट होता था एग्रीकल्चर का, 22,000 करोड़। आज यही बजट 1,23,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का होता है। कहां 22,000, कहां 1,23,000 करोड़। यह बजट अपने आप में बता देता है कि किसानों के प्रति समर्पण किसका है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल फांक रही थी, कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन लागत का 1.5 गुना देने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये किसी ने नहीं तय किया। ये हिम्मत दिखाई तो भारत के महान नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, जो 1.5 गुना का किसान को उसकी लागत का देना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब आप याद करो कांग्रेस वाले क्या करते थे। कांग्रेस वाले चुनाव से पहले हम कर्जा माफ करते, 10 साल बाद तक कर्जा माफ करते, कितना होता था सारा कर्जा मिला लें तो 57,000 करोड़। कितने साल बाद? 10 साल बाद 57,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 180 लाख, यानी 180 लाख, 1,80,000 करोड़ रुपए, क्षमा कीजिए 1,80,000 करोड़ रुपए 10 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में डाल दिया है। ये हमको ध्यान रखना है, ये छोटी घटना नहीं है, 1,80,000 करोड़ रुपए। ये 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए देकर के, और वो भी देते नहीं थे, राजस्थान में क्या कर्जा माफ हो गया था, जमीनों की कुर्की चली गई, किसानों के साथ धोखा देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए
लोगों के खाते में पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में यही 41,000 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों के किसानों के खाते में पहुंचाया है, इसको हमको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं खाद की बात करूं तो 140% की सब्सिडी मोदी ने दी है। जो खाद की बोरी 2400 रुपए में मिलती थी, वह खाद की बोरी आज किसान को 1200 रुपए में मिल रही है। यानी एक बोरी खाद की मुफ्त मोदी जी की तरफ से मिल रही है, यह हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो आज 11 करोड़ फार्मर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, 11 करोड़ किसान, और 1,00,000 करोड़ रुपए इसके लिए इसकी भुगतान भी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2,70,00,000 किसानों ने अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा है। मैंने आपके सामने एमएसपी की बात की, 1.5 गुना देने का बात की गई। सॉयल हेल्थ कार्ड, कभी सोचा था? यहां आदमी का तो हेल्थ कार्ड बनता ही नहीं था, सॉयल का क्या हेल्थ कार्ड बनता, मिट्टी का क्या हेल्थ कार्ड बनता, यहां तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं बनता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड, और उसकी संख्या क्या है, 22 करोड़ हेल्थ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों के यहां पहुंचा दिए गए, डिस्पैच कर दिए गए, इसको भी हमको समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 3.7 करोड़ यानी 3,70,00,000 इतने किसानों को उनका सॉयल हेल्थ कार्ड पहुंचा दिया गया है। आपको याद होगा ये यूरिया जो था इसके लिए लाइनें लगती थी, लाठी चार्ज होती थी, आपको याद होगा, याद है कि नहीं है? पुलिस ब्लैक, और वो ब्लैक होता था, कंपनी से ही वो फर्टिलाइजर ये यूरिया जो होता था वो कहीं दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी फैक्ट्री में चला जाता था, मारामारी होती थी। प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया डाल करके वह सिर्फ अब वह यूरिया खेत में ही काम आएगा, इसकी चिंता की गई, न लाठी चार्ज, न यूरिया की कमी, और लोगों को एक नई दिशा देकर के उनको, किसानों को इस बात से मिली। कभी कोई सोच सकता था कि किसान को पेंशन लगेगी? आज उत्तर प्रदेश में ही लगभग 45,00,000 बेनिफिशरीज हैं जो पेंशन ले रहे हैं, 500 रुपए किसान पेंशन लेने लगा। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लोन्स जो है वो 86,00,000 फार्मर्स के वेव ऑफ हुए। हम गन्ने के प्रदेश से आते हैं, योगी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान दिया, 1,40,000। अखिलेश के भी 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिया, यानी वो भी उधार छोड़ करके चले गए, 11,000 करोड़ रुपए वो भी दिया और 1,40,000 करोड़ रुपए। यही नहीं, मायावती जी के सामने में कौड़ियों के दाम में 22 शुगर मिल भी बिक गई, और लगभग उसी तरीके से 19 शुगर मिलें जो थी वो बंद हो गई। अखिलेश जी के समय में 11 शुगर मिलें बंद हो गई, और योगी जी के समय में 3 शुगर मिलें शुरू हो गई, 54 डिस्टिलरीज इंस्टॉल्ड हो गई, और 50% डिस्काउंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फार्मर्स को देने का काम शुरू हुआ। यानी सोच ईमानदार, काम असरदार, काम दमदार, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, वीट पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, मटर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, आम की खेती में आगे, मिल्क में आगे, हर दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगा करके किसान के क्षेत्र में काम किया है, और मोदी जी का आशीर्वाद रहा, योगी जी ने उसको अक्षरशः जमीन पर उतारा है। अब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं यही कहूंगा आधार क्या है कि हम अच्छा करेंगे कल। आधार यह है कि अच्छा हमने किया है इसलिए हम आगे अच्छा करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मैं मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला, आपके उत्तर प्रदेश में 15 आजादी से लेकर के 2014 तक 15 मेडिकल कॉलेज थे, 15। आज मुझे खुशी होती है ये बोलते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में
59 मेडिकल कॉलेज खुले हैं सरकारी, 59। और शाहजहांपुर भी पीछे नहीं है। मुझे याद है जून महीने में 2016 में मैं आया था, मैंने शिलान्यास रखा था और आज वो मेडिकल कॉलेज आपके सामने बन करके तैयार है। रामप्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज के रूप में तैयार है। 298 करोड़ उस समय हमने दिए थे, मुझे अभी भी याद है, आज वो शाहजहांपुर को मिला। लेकिन 15 मेडिकल कॉलेज, 61 मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा। आप देखिए, ये मैं रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। उस समय 2 एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा था, आज 4 एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। और शाहजहांपुर तो मेन लाइन पर है, तो अब यहां गंगा एक्सप्रेस वे चल रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट हमारा जेवर बन रहा है, वह उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वह हमसे ध्यान रखते हैं। मेट्रो अब लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और काम भी शुरू हो गया है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुलेगा? आज एक नहीं, दो दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और उस पर काम गोरखपुर में वो शुरू हो गया है विकास के दृष्टि से। और अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख हाउसेज बने हैं, 42 लाख। अब आप अंतर देखिए, एक समय में लैंड माफिया, घर खाली कराने वाले लोग लगते थे, लगते थे कि नहीं लगते थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। आते थे कि नहीं, ये तुम मकान छोड़ दो, रजिस्ट्री कर दो, दो नहीं तो फिर ऐसे जाओगे या वैसे जाओ। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के द्वारा आज 42 लाख घर बन करके तैयार हुए हैं। और वो घर कैसे हैं? जिसमें किचन अलग है, बेडरूम अलग है, शौचालय अलग है, गैस का कनेक्शन अलग है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से इज्जत घर, राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा कि मैं रात को शाम को जब जीप से चलता हूं तो मुझे शर्म आती है, महिलाओं की झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़कों पर आती है। 66 में कहा था। आज हमें खुशी है कि मोदी जी ने देश में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को, परिवारों को उन्होंने इज्जत देने का प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़, यानी 2 करोड़ 7 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 2 करोड़ 7 लाख परिवार, हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए गांव से बाहर निकल करके सड़कों पर आती, उनको इज्जत देने का काम किया है, तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार ने किया है। मैंने आपसे पहले बोला गंगा एक्सप्रेस हाईवे आज शाहजहांपुर रुस्ते के साथ जुड़ रहा है, 3.5 किलोमीटर का आपका हाईवे बनने की बात चल रही है। उसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिक्लेयर हो गया है, मेडिकल कॉलेज मैंने बताया 100 मेडिकल कॉलेज। सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज एक इकोनॉमी पैदा करती है, जहां मेडिकल कॉलेज होगा उसके अगल बगल दवाइयों की दुकानें खुलेंगी, उसके अगल बगल डायग्नोस्टिक्स की दुकानें खुलेंगी, वहां आवाजाही बढ़ेगी, इकोनॉमी जनरेट होती है। और साथ में वहां नर्सिंग स्कूल बनेगा, वहां ट्रेनिंग होगी, वहां हॉस्टल्स बन रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब आपके गांव में बच्चों को डॉक्टर के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, शाहजहांपुर का ही डॉक्टर पैदा होगा और शाहजहांपुर के गांव में वो जाकर के सेवा करेगा, इस बात को इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम लोग रचने के लिए 232 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शाहजहांपुर में चल रहे हैं। आपके यहां जरदोशी का जो एम्ब्रॉयडरी है उसका काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काम चल रहा है। उसी तरीके से म्यूजियम बन रहा है और म्यूजियम के दृष्टि से राष्ट्रभक्तों को संजो करके यहां पर उनके उनके द्वारा किए गए उनकी मेमोरीज के उनकी उनकी जो चीजें हैं उनको रखने का प्रयास हो रहा है। ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं,
कि मैं